हमीरपुर जिला में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का पहले चरण का टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया। डॉक्टर राधा कृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 100 लोगों ने अपना स्टॉल बुक करवाकर अपना टीकाकरण करवाया। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में पहले टीकाकरण के लिए 5 दिन कुल 66 सत्र आयोजित किए जाएंगे। सभी विकास खंडों में 2 स्थलों पर तथा 1 सत्र डॉक्टर राधा कृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आयोजित होगा। इसी तरह पहले 4 दिन 13 सत्र होंगे जबकि अंतिम दिन 14 सत्र आयोजित किए जाएंगे। टीका लगवाने आए साहिल और काव्य ने बताया कि कोविड पोर्टल पर स्टॉल बुक करवाने से टीकाकरण स्थल पर भीड़ नहीं हो रही है और सभी लोग टीका जरूर लगवाने आए। उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ाई में टीका अहम भूमिका अदा कर रहा है, इसमें सबको आगे आकर भाग लेना चाहिए। मेरा नाम साहिल चौहान है, आई एम 26 ईयर ओल्ड और आज मैं वैक्सीन लगाने आया हूँ। तो आज से स्टार्ट हुआ 18+ का, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डोज है मेरी। सो आई एम नर्वस लेकिन ठीक है, लगवानी तो है। डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर गिरीश ने बताया कि आज टीका लगवाने के लिए पोर्टल पर स्टॉल बुक करवाने वाले लोगों को ही टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में अब 20, 24 और 27 मई तथा 31 मई को टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 तिथियों में सत्र स्थलों में केवल 18 से 44 वर्ष आयु के 100-100 लोगों को ही प्रतिदिन टीका लगाया जाएगा ताकि अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके और उचित दूरी के नियमों का पालन किया जा सके। आज हमारे जो मेडिकल कॉलेज में भी 18 से 45 साल का जो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, वो हमारा वैक्सीनेशन जो सेंटर है इसका कॉलेज का, उसी में शुरू हो रहा है और सुबह से शुरू हो गया है हमारा और अभी तक 30 से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन हो चुके हैं। सर, किस अनुसार जो लोग आ रहे हैं और क्या प्रबंध है इसमें? एक बताना चाहता हूँ कि जो भी हैं आज जो लग रहे हैं वो पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं और स्लॉट बुक हो चुका है और हमारे पास जैसे 100 का स्लॉट है तो वो आ रहे हैं, उनको हम रजिस्टर कर रहे हैं। और जहाँ प्रबंध की बात है, हमारे पास यहाँ अच्छे से किया है हमने, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो रिसेप्शन है वहाँ वेटिंग एरिया भी है, वहाँ बिठाते हैं हम और उसके बाद जैसे ही नंबर वाइज, ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए, उनको हम रजिस्ट्रेशन में काउंटर पे ले जाते हैं। उसमें हमारे प्रबंध है, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। वहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनको एक टोकन दे के हम अंदर वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन के बाद कुछ देर के लिए यहाँ बिठाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, कोई भी कोई कुछ साइड इफेक्ट हो कुछ हो उसके बारे में हम उनको बताते हैं और उसके बारे में मैनेजमेंट की जाती है। जब आ रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन साथ से करा रहे हैं, क्या चीज़ें? इसमें डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, जो ऑलरेडी बुक्ड है तो उनके पास बुक फ़ोन नंबर जिस पे किया है वो चाहिए होता है और उसमें आधार नंबर चाहिए हमें, और कई अगर स्लिप लेके आ रहे हैं तो उसमें भी लिखा हुआ होता है, तो वही चीज़ें और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आज ज़रूरत नहीं है। सर, आगे कौन कौन से दिन और हैं वैक्सीनेशन? इसके बाद अभी हमारा 20 को है, 27 को है, 30 को है, ये अभी तक हमारे इसके डेज हैं। इन दिनों में सिर्फ 18 से ऊपर 45 साल वालों को ही लग रहा है और इसके अलावा जो और कैटेगरीज के हैं ये इसके अलावा और सभी दिनों में लग रहा है। इवन कि हमारे जो छुट्टी वाले डेज हैं, संडे है या हॉलीडेज है, उसमें भी रूटीनली हो रहा है। और पर जो 18 से ऊपर है इनके लिए अभी तक ये डेज आए हैं और जैसे सब्सिक्वेंट आते हैं उस हिसाब से बता दिया।